आज बदायूं दातागंज में सरकार के अंतरिम बजट को लेकर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं रही। वहीं दातागंज के पूर्व विधायक प्रेमपाल यादव सपा से बजट को लेकर बात की तो उन्होंने सिर्फ इसको जुमलेबाजी ही करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ झूठे वादे ही करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। वहीं समाज सेवी डॉक्टर शैलेश पाठक उर्फ गुड्डू भैया ने भी इस बजट को चुनावी बजट बताया। मध्यम वर्ग से, निर्बल वर्ग से और उच्च वर्ग का भी ध्यान रखते हुए, सभी का, व्यापारियों का भी ध्यान रखते हुए, किसान मजदूरों और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है उनका भी ध्यान रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। इसमें विशेष बात ये रही है कि 5 लाख तक की आयकर की छूट की सीमा दी गई। अब कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख की ATC की छूट लेते हुए कम से कम 6.5 लाख तक बिना टैक्स के अपनी आमदनी कर सकता है। इसके अंतर किसानों को जो छूट दी गई है वो 12,000 रुपये तो प्रतिवर्ष, 2 हेक्टेयर से जो छोटे किसान हैं उनको 12,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में सीधे भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त उनको कृषि मूल्यों के लिए भी विचार किया जा रहा है कि क्या सुविधा दी जा सकती हैं। GST में छूट का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो मकान मध्यम वर्गीय परिवार खरीदता है उस पर जो GST लगाया जा रहा था उसको भी समाप्त करने पर या कम करने पर विचार किया जा रहा है। वन पेंशन का भी विचार के लिए विचाराधीन है सरकार के पास। जी भैया, मैं डॉक्टर शैलेश पाठक, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी, आज जो बजट पेश हुआ है सरकार का उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े लतीफाबाज हैं कि उनका चुनावी बजट है। अगर कोई जनता को राहत देना चाहते थे तो पूरा टाइम निकल गया, अब तक क्यों नहीं दी? उनका ये चुनावी बजट है, इसमें कोई राहत वाली बहुत विशेष ऐसी बात नहीं है। लच्छेदार बातें हैं, जो जुमलेबाज हैं वो उसी का उन्होंने पुट दिखाया है जनता के लिए। जी, किसानों के लिए उन्होंने राहत के रूप में 6,000 रुपए, किसान लुट गया, बर्बाद हो गया उनके शासनकाल में। झूठ बोलते रहे कि दुगनी आय करेंगे, कहाँ से दुगनी आय की? दुगनी आय करने का उन्होंने क्या साधन अपनाया? जी, उनके इस बजट से जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में सत्ता से बेदखल निश्चित तौर पर होगी, जनता उन्हें समझ चुकी है। जी, ऐसा कोई कार्य जो आपको बहुत बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो भाजपा सरकार का? भाजपा सरकार का वही कार्यप्रणाली जो और दूसरे लोगों की थी। सेंटर लुटना, आपके कोटा बिकना, तो सब वही हो रहा है जो और लोग करते थे, ये कर रहे हैं। क्या ये बजट सत्र अन्य सरकारों की अपेक्षा अलग है या फिर उनसे ही? ये चुनावी बजट है। जी, प्रेमपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक दातागंज। जी, सरकार ने आज जो बजट पेश किया है भाजपा सरकार ने, क्या विचार हैं उसके बारे में आपके? ये केवल 2019 को देखते हुए उन्होंने बजट पेश किया है, ना इसमें किसी को रोजगार के लिए है, ना किसानों को है, ना व्यापारियों को है, किसी के लिए कुछ नहीं है। केवल ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। जब से गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, तब से ये घबराए हुए हैं और इनका जल्दी सफाया होने वाला है। जैसा कि उन्होंने किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष का ऐलान किया है, तो ये सब झूठा है। ये करेंगे कुछ नहीं, ये 2-3 महीने चुनाव के हैं, इसमें ये सब दिखाते रहेंगे। और पहले भी इन्होंने कुछ नहीं किया, पहले चुनाव में इन्होंने वायदा किया था कि 15 लाख देंगे, तो 4.5 साल में 4.5 साल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं दिया। अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन आपके सामने हैं, किसान बेरोजगार सब परेशान है। जी, और क्या उम्मीद?